वो पानी के ड्रॉपलेट्स आए किधर से आए भाई, ये पानी के ड्रॉपलेट्स अंदर से आए क्या? नहीं। क्या होल है इसमें? नहीं। कहां से आए वाटर ड्रॉपलेट्स? ये वाटर ड्रॉपलेट्स कोई मार के गया इसके पानी? नहीं। तो ये एक्चुअली हमने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर तो होता ही है ना। तो अब ये क्या होता है कि इतनी ठंडी चीज है, ये इतनी कूल सोर्स है कि ये कूलिंग कर रहा है, आसपास की चीजों को कूलिंग कर रहा है। तो आसपास की अगर गैस को भी ये कूल कर रहा है, तो गैस कूल होकर क्या होता है? कूल होकर कंडेंस होता है। कंडेंसेशन मैंने अभी बताया था, आपने स्टार्ट में पढ़ा। तो कंडेंस होकर वो क्या बन जाएगा? लिक्विड, और वही ड्रॉप दिखता है। तो वो पानी जो है वो अंदर का नहीं है, वो बाहर का, एयर का पानी वहां चिपक गया।